खाना खाने बैठता हूँ उधर भी धूल दिखती है, वॉशरूम जाता हूँ उधर भी धूल दिखती है, मैं सोता हूँ तो मेरी अम्मी आवाज देती है, अम्मी में भी धूल दिखती है मेरे को। मम्मी में भी देखो माँ माँ होती है। इतने खच्चर भी है, दो बहन बांधे हुए, खच्चर है घोड़े की तरह होता है, खच्चर देखा आपने? नहीं मैंने आपको देखा है बस। आशर साहब पहचाना मुझे बेटा, बात सुनो मेरी, तुम्हारी वीडियो बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फराली शेख और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉल प्रैंक। बाकी डिटेल्स आपको नवेद बताते हैं कि आज हम चटपटा सा क्या मज़ेदार करने वाले आप लोगों के लिए। मेरा एक कज़न है, दोस्त भी है, कज़न भी है, वो टोबा टेक्सिंग से है, नाम है उसका अशर, वो है एक नंबर का ठरकी। आए दिन मुझसे लड़कियों के नंबर मांगता है, बोला यार नबी किसी लड़की से दोस्ती करनी है, तू तो कराची में होता है, शोबिस में होता है, इतनी सारी तेरे पर लड़कियाँ, किसी तो लड़की का नंबर दे। सुबह शाम इस बंदे ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो फिर मैंने फराली शेख से बात किया, यार क्यों ना एक प्रैंक कॉल करें, इसे बकरा बनाए। तो मैंने इसको फराली शेख का नंबर दे दिया, तो दो दिन से ये फराह से बात कर रहा है और ये बता रही है अभी सुबह से। तो मैं कितनी कॉलें की इसने कोई मुझे 30 से 35 कॉलें कर दी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं आज सुबह से रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ। तो अभी उनको कॉल करेंगी, देखते हैं वो क्या बात करते हैं। कॉल करो फराह। अच्छा हैंड वो स्पीकर खोलना। हाँ स्पीकर खोल दिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, किधर थी तुम? मैं यहीं थी, तुम कैसे हो अशर? मैं कैसा हूँ, मैं बस मर गया हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं तो पागल हो गया हूँ दो दिन से। क्यों पागल हो गए हो? किधर थी तुम दो दिन? यार असल में पता है मेरी ना थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो वो जुलाब की गोलियाँ खानी थी ना मैंने रात में गलती से। मेरा बाबू मेरे पास नहीं था ना, तो मेरा ख्याल कौन रखता? किधर थी? मैं बस मरी गया था समझ लो। यार दो दिन तो हुए हमें मिलके, अब तुम्हें क्या? वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आज मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम अपने प्यार का मुझसे खुल के इजहार करो। दो दिन में तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें मुझसे प्यार हुआ? बस मुझे नहीं पता, बस मैं जो है ना, बस मुझे समझ नहीं आती मैं क्या क्या बोलूँ। थोड़ा थोड़ा बोल लो, थोड़ा थोड़ा। तुम दो दिन किधर थी? मैं तो बस मर गया था, मैं खाना खाने बैठता हूँ उधर भी धूल दिखती है, वॉशरूम जाता हूँ उधर भी धूल दिखती है, मैं सोता हूँ तो मेरी अम्मी आवाज़ देती है, अम्मी में भी धूल दिखती है मेरे को। मम्मी में भी देखो माँ माँ होती। मैं पागल हो गया हूँ पागल। यार देखो तुम पागल मत हो ना, अगर तुम पागल हो गए तो फिर मेरा क्या होगा बाबू? बस मैं मत दूंगा, मुझे तुम मिलो, बस जल्दी मिलो। तुम कब मिलोगी मुझे? अभी आ जाऊँ? अभी कैसे आएगी, बहुत दूर है ना। अच्छा वैसे आप कहाँ रहते हो, तुमने बताया ही नहीं, मैं आऊँगी कैसे? टोपा टेक सिंह का नाम सुना है? किसका? टोपा टेक सिंह। टोपा टेक्सन? हाँ, ये जलन वाले से निकलो ना तो आगे आते हैं। अच्छा चलो, मैं वाला नहीं है, जलना वाला। वो किधर होता है? ये नेहरूपुर के पास। अच्छा एक काम करो ना बाबू, अब मैं इतनी दूर आऊँ, आप एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ ना। मैं आपका जहाज का टिकट करा देता हूँ, मेरी पैसों का बहुत बड़ा भाड़ा है, बहुत बड़ा भाड़ा है मेरे पैसों का, दो पैसे भेज दूँगा, आपका जहाज का टिकट कराता हूँ, आप आ जाओ। मेरा बाबू मेरे लिए भैंस बेच के टिकट का बंदोबस्त करेगा? भैंस भी है, दो तीन खोतियाँ भी है मेरे पास। फिर खोते पे सवारी करेंगे क्या हम? खोते पे सवारी की जरूरत नहीं, खच्चर भी है, दो बहन बांधे हुए, खच्चर है घोड़े की तरह होता है, खच्चर देखा आपने? नहीं मैंने आपको देखा है बस। मुझे देखा, बस मुझे बताओ, मैं आपका जहाज का टिकट कराता हूँ, आप आओ मेरे। लेकिन अशर बाबू मैंने तो सुना है अभी अभी गूगल से कि टोबा टेक्सन में तो वो ही नहीं है एयरपोर्ट, आप मुझे कहाँ लैंड कराओगे? आप लाहौर आ जाओ ना, लाहौर आ जाओ। ओह आप मेरे लिए लाहौर आओगे? हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा ना लाहौर, तुम लाहौर आ जाओ ना। किस तरीके से मैं, आप पैसे कितने चाहिए, कैसे भेजूँ मुझे बताओ, पैसे मुझे फोन नंबर दो, मैं पैसे भेजूँ तुम्हें। पैसे ज़्यादा कुछ नहीं, कितने भेज सकते हो मेरे लिए वैसे? आप बस बोलो मेरे को, आप बस मुँह से निकालो कितने चाहिए आपको। 5 लाख कम है पर कर लूँगी मैं, इतने में गुजारा। 6 पैसे भेज
बताओ मुझे, अकाउंट नंबर दो अपना, बस मुझे नंबर दो, मोबाइल का नंबर दो, कुछ इजी पैसे वाला दो, इजी लोड वाला दो, नंबर दो मुझे, बस मैं तुमको भेजता हूँ। तो आप मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे? 5 लाख कर दो, आप मेरे को नंबर दो। आपको पैसा पता है, पैसे देखे कभी आपने? हाँ हाँ बहुत सारे बॉस है, उसकी जो जो दूध निकालते हैं उसको धारे बोलते हैं, धारे निकाल लेंगी आप? सब निकाल लूंगी। धारे होती है वो, उसकी जो थन होते हैं ना उनको पकड़ के निकालनी होती है, वो धारे उसको हम बोलते हैं। तो धारे तो निकालनी पड़ेगी, आप आओगी तो। अच्छा धारे तो निकाल लेंगे, पर मैं की मेरे में ना मेरी दो अपनी तीन लाटी पैसे हैं ना, वो बाकी मैंने भाड़े में दिए, पैसों का दूध मैं खुद निकालता हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसको तुम भी जो है ना उसको दाल। भैंसों का दूध निकालूँ मैं भी? मेरी तीन पसंद की भैंस है ना, आप देखोगी तो आपको पता है, उसकी धारे निकालोगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे। आप मुझे ये बताओ अशर, आप मुझे शादी के बाद कहाँ रखोगे? भैंसों का दूध तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाड़े के साथ ही ना पीछे दो कमरे हैं और साथ किचन बना लेंगे ना, तुम आ जाओ ना बस। मेरी बात सुनो, आ जाऊँ बस? दो कमरे में रखोगे? अभी तुम 5 लाख भेज रहे हो मेरे लिए। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तू आ जा बस, मुझे बस तू मिल जाना एक बार, बस तू मेरा सारा कुछ ले लियो। क्या करोगे, मिल गई तो बस तू मुझे मिल जाओ, बस मैं कहता हूँ मुझे मिल जाओ, मैं बस नेक्स्ट जिसने मुझे आपका नंबर दिया ना, तो मैं उसका बस मेरी सात नस्लें उसको सलाम करेंगे। सात नस्लें अभी पता नहीं तुम्हारी होंगी नहीं होंगी, पहले मैं ये तुमसे नस्लें आएंगी ना मेरी ना, तू आ तो सही ना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरे साथ नस्लें बढ़ाने के साथ साथ गाय की भी नस्लें बढ़ाएंगे हम? हाँ हाँ गाय की नस्लें, भैंसों की 3 से 6 करेंगे, 6 से 9 करेंगे, 9 से 12 करेंगे। हाँ बच्चे भी करेंगे 9 से 12, जितनी भैंसों को बच्चे होंगे। अशर साहब पहचाना मुझे? बेटा बात सुनो मेरी, तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, बातें की है ना, सारी रिकॉर्डिंग होगी है तुम्हारी। तुमने हमारे बकरे बहुत नंबर मांगता था लड़की। अशर मैं फराली शेख बात कर रही हूँ, ये प्रैंकस्टर है फराली शेख। सॉरी मुझे नवीद ने ये सब कुछ करने के लिए कहा था, नवीद ने मुझे आपको कॉल करने के लिए और आपको तंग करने के लिए कहा था। मैंने सुना है आपको बहुत शौक है लड़कियों से बातें करने का। अब आप जब ये वीडियो देखेंगे ना मेरी, उसके बाद आपका सारा शौक निकल जाएगा, भैंस के दूध दूध हर चीज। सारे ख्वाब तेरे, सारे ख्वाब तोड़ दिए। आप रो रहे हैं, ख्वाब तो जोड़ेंगे अभी हम। प्लेन भेजोगे, पैसे भेजोगे, अकाउंट नंबर भेज रही हूँ यार पागल। अशर अशर एक बात बताओ, ये तुम्हें घर से जो है ना महीने के 500 रुपये मिलते हैं, तो तुम इसको 5 लाख रुपये कहाँ से भेजोगे ज़रा ये बताओ मुझे। अच्छा तो ये ऐसे पागल बना गया लोगों को, और ये तो बुला रहा था पूरा अपने घर तक, और लड़कियां तो उठ के आ भी जाती होंगी, तभी पता चला ये कराची से लड़कियां भाग के जा कर रही हैं। ओहो अशर गुड जॉब। चलो अभी वीडियो पूरी हो गई है, अशर अपना ख्याल रखना, और आज के बाद मेरे से कम से कम लड़की का नंबर नहीं मांगना। आज के बाद किसी भी लड़की को तंग नहीं करना, वीडियो नहीं लगाना यार कहीं में। वीडियो तो लगेगी बेटा, तू बकरा बन चुका है, तू आज के बाद ठरक बन भी नहीं करेगा ना आज के बाद? अभी तो इसने बोला नहीं, बना तू अपने माँ बाप को छोड़ने को भी तैयार हो जाता। मैं तो बहुत हल्का रखा मैंने, ले लिया तूने मेरा नाम भी नहीं देना यार, नाम मेरा तो ले लिया तूने। नाम तेरा बदनाम होगा तब तेरा नाम होगा, गुड बाय अल्लाह हाफिज, अब दोबारा बकरा नहीं बनना मेरा, नाम उससे नंबर मांगना किसी लड़की का, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये थे जी हमारे कजन अशर ठरकी, अशर ठरकी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली फेसबुक वाले वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो लाजमी करें।